एक बार ही आप इसको चला दो तो इसको घुमाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, स्पीड वही की वही रह जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे Zigma Z36 हीटर का, जिसे हम काफी दिनों से यूज कर रहे हैं, और बताएंगे कि हमारा इस हीटर को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो के साथ में, और अगर आपने अभी तक इस हीटर की अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं हम इस हीटर की फिजिकल अपीयरेंस की। तो यार कलर आप देख रहे हैं काफी प्यारा सॉफ्ट सोबर सा कलर है, कोई ज्यादा आंखों में चुभता भी नहीं है, काफी यूनिक सा कलर इन्होंने इस हीटर को दिया हुआ है। और साथ ही अगर हम इसकी फ्रंट की बात करें तो ग्रिल दी गई है सेफ्टी के पर्पस से, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि घर में यार छोटे बच्चे होते हैं, वो कई बार इसके अंदर एकदम से मान लो हाथ डाल दिए तो नुकसान के काफी चांस रहते हैं। बट इस ग्रिल की प्रोटेक्शन का देना बहुत अच्छी बात है। और हाँ सबसे बड़ी बात यार, ये ग्रिल जल्दी से गर्म भी नहीं होती है, आप इसको 2 घंटे चला लो 3 घंटे चला लो ग्रिल बिल्कुल नॉर्मल रहती है, ज्यादा गर्म नहीं होती है। और साथ ही दोस्तों ऊपर की तरफ ये दो नॉब्स दी गई हैं, जिसमें एक फैन की स्पीड को एडजस्ट करती है, और जो दूसरा है ये हीट के लिए है, 1000 वोल्ट या 2000 वोल्ट पे आप इसको चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी जो सबसे मेन बात वो ये है कि फैन की स्पीड एक ही बार रहती है, इन्होंने बेमतलब ये बटन दिया है, एक बार ही आप इसको चला दो तो इसको घुमाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, स्पीड वही की वही रह जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों जो फैन दिया गया वो ठंडी हवा को यहाँ से खींचता है और उसे गर्म करके यहाँ से बाहर निकालता है। और दोस्तों अगर हम इसकी वायरिंग की बात करें तो वायर काफी अच्छी है, सॉलिड वायर हमें देखने को मिल जाती है, अप्रोक्स 1.5 मीटर लंबी तो होगी ये वायर। और साथ ही जो इसका ये 3-पिन प्लग है काफी अच्छी सेफ्टी के साथ में आता है, एक्स्ट्रा रबड़ का सपोर्ट दिया गया है ताकि जल्दी से इसका ये 3-पिन वाला प्लग टूटे ना। लेकिन यहाँ पर जो इस हीटर की एक डिसअपॉइंटिंग बात लगी वो यहाँ पर है, ये देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इस वायर की बिल्कुल कोने पे कट लगा हुआ है। क्यों? वो कट इसलिए यार, इन्होंने कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं दी। मान लो अगर ये कोई रबड़ की प्रोटेक्शन देते उसके बाद हम फिर इसको चाहे मान लो मोड़ ले या कुछ भी कर ले तो इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट यहाँ पर इस हीटर का किसी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ में ना आना यार थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है हमें। और दोस्तों इस हीटर की जो मेन हाईलाइट है वो है इसकी हीट, 1000 वोल्ट पे बेहद कमाल की हीट है ये हीटर हमें दे देता है, और साथ ही 2000 वोल्ट पे तो यार सच में बेहद कमाल कर देता है, इतनी बढ़िया हीट यार दिल खुश हो जाता है सच में इस हीटर को लेकर कि हमने बिल्कुल भी पैसे वेस्ट नहीं किए इस हीटर के लिए। तो लास्ट में दोस्तों मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप 1000 रुपए से नीचे में कोई हीटर लेना चाहते हैं तो आपको इसे जरूर से बाय करना चाहिए, क्योंकि 1000 वोल्ट और 2000 वोल्ट के दो ऑप्शंस के साथ में आता है यार, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही Zigma की तरफ से है ऑटो कट ऑफ का भी फीचर दिया गया है, कॉपर की मोटर दी गई है इस हीटर में, जो कि इसे और भी ज्यादा यूनिक बना देते हैं। हैंडी भी है, सिर्फ वेट इसका मे बी 1/2 kg के अराउंड है, तो इसे आप कैरी करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, एक जगह से दूसरी जगह आप इस हीटर को आसानी से लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों यही सब कुछ था इस हीटर के बारे में, और अगर आप इस हीटर को बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसी गैजेट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।